नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वन टू वन क्लासेज में आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त निश बजाज के साथ दोस्तों आज का चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है दोस्तों उन लोगों के लिए जो तैयारी करें यूपी टीजीटी कॉमर्स यूपी पी जी टी कॉमर्स सी यू टी इकोनॉमिक यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स या KVS, NVS, के वी एस एन वी एस आर्मी पब्लिक स्कूल पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भाई वीडियो शानदार है जानदार है और ट्वेंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी दोस्तों डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को चले दोस्तों पहला सवाल आपके सामने आने जा रहा है ध्यान से देखते हैं पहले क्वेश्चन को आपके सामने आ चुका है ऑफ ऑफ इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बारी ठीक है मार्क ले लेते हैं और पहला आंसर टिक करना शुरू करते हैं ओके okay, इंपॉर्टेंस uh, नहीं है पूछा गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस नहीं है ये आपको पहचानना है, है, है मैंने मान लिया फिजिकल कैपिटल के यूज को अच्छा करता है मैंने मान लिया लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देता है दोस्तों इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है मतलब खर्चे को बढ़ाता है ऐसा कुछ नहीं है यार जितना खर्चा बढ़ रहा है उससे ज्यादा हमारी कॉस्ट कवर अप करने की हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कॉस्ट कवर कर लेंगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ यू फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग के फायदे बताने यार प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को बढ़ाती है बिल्कुल बढ़ाती है तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है उसके बाद एम्प्लॉई अपडेट रहता है लेटेस्ट चेंजेस चैलेंजेस के साथ हाँ ठीक है चेंजेस के साथ भी अपडेट रहता है कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है बहुत एन भी सही है यार कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और चेंजेस को कॉप अप करने में भी हेल्प करती है दोनों ही ठीक है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सी विच ऑर द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल दोस्तों बहुत सोच समझ के आंसर दीजिए फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में कौन सा डिफरेंस बिल्कुल ठीक है सोच समझ के बताना आपको पहला पॉइंट है फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड बट ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड बात तो ठीक है फिजिकल कैपिटल में आपके आते हैं रिसोर्सेज मेटीरियल रॉ मेटीरियल लैंड लेबर ये सब फिजिकल कैपिटल हमारी इनको बेचा जा सकता है बात ठीक है ह्यूमन कैपिटल को बेचा नहीं जा सकता बात तो ठीक है दूसरा बढ़ते हैं फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है फिजिकल कैपिटल को मैं अलग कर सकता हूँ रिसोर्सेज को मैं रिसोर्स प्रोवाइडर से अलग कर सकता हूँ पॉसिबल है ठीक है और वाइल्ड ह्यूमन कैपिटल कैन जबकि ह्यूमन कैपिटल में मैं अलग नहीं कर सकता फिजिकल कैपिटल प्रोवाइड मतलब ये दूसरे वाला पॉइंट तो भाई बिल्कुल ही गलत है इसका ये तो पक्की बात है गलत है बिल्कुल फिजिकल कैपिटल प्रोवाइड बोथ एंड सोशल बेनिफिट ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड ओनली सोशल बेनिफिट भाई फिजिकल कैपिटल आपको सोशल बेनिफिट के अलावा और बेनिफिट भी देती है जबकि ह्यूमन कैपिटल सिर्फ सोशल बेनिफिट देती है नहीं ऐसा कुछ नहीं यार फिजिकल कैपिटल के अपने फायदे हैं सोशल के अपने या ह्यूमन कैपिटल के अपने अलग फायदे हैं ऐसा कुछ नहीं है मतलब यही ठीक है पहला डिफेंस ही है, फिजिकल जो है, वो बेची जा है, लेकिन बेची नहीं जा सकती है, है और इंसान की कैपेबिलिटी को खरीदना तो ज्यादा मुश्किल है तो आंसर रहेगा हमारा पॉइंट नंबर वन क्वेश्चन नंबर फोर इन डैश ईयर द इंडियन गवर्नमेंट मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ सिक्स है सिक्स टू फोर्टीन वाला जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में है। ये दोस्तों हमारा राइट टू एजुकेशन है आप लोग पढ़ते हैं इस बात को राइट टू एजुकेशन कब आया था सोच समझ के आंसर दीजिए राइट टू एजुकेशन हमारा 2001 2009 2003 2007 कब आया था हमारा राइट टू एजुकेशन इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा राइट टू एजुकेशन टू का है काफी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स तक की एजुकेशन कंपलसरी कर रखी है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से ध्यान रखे चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर ओवरऑल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंस 2011 थाउजेंड इलेवन इन टैश ओके हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? आपको सो समझ के बताना है इंडिया का लिटरेसी 60% 65% 74% कहा जाता है दोस्तों आपका अराउंड आपका 74% के आसपास माना गया है अराउंड 74 के आसपास है 2011 का क्वेश्चन नंबर following is a problem ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया भाई क्या क्या करता है की प्रॉब्लम फेस करता है हाँ यार बे इंडियन की प्रॉब्लम फेस करता है अकेडेमिक सैनडल लो है हाँ यार अकेडमिक स्टैंडल लो भी है पॉपुलेशन बढ़ रही है हाँ यार पॉपुलेशन बढ़ भी रही है तो ऑल ऑफ दीज दोस्तों हमारे इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा सारी की सारी हमारी प्रॉब्लम है जो ह्यूमन कैपिटल फेस करके चलती है लाइफ में क्वेश्चन नंबर सेवन इफ अ वर्कर एबसेंट हिम हर सेल्फ हिम सेल फॉर लॉन्ग ड्यू टू इल हेल्थ इट विल अफेक्ट हिज और हर डैश ओके भाई अगर वर्कर बहुत टाइम से एबसेंट है और एबसेंट होने का रीजन है कि वो बीमार है बहुत ज्यादा

दोस्तों हिमाचल प्रदेश का इसमें नाम सुनने में आता है कि हिमाचल प्रदेश का पर कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है आप लोग ध्यान रखे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन विच लेवल ऑफ एजुकेशन टेक्स मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इंडिया सबसे महंगा कौन से वाला लेवल ऑफ एजुकेशन महंगा है एलिमेंट्री सेकेंडरी टर्जरी कौन सा है दोस्तों सोच समझ के आंसर देंगे सबसे महंगा कौन सा पड़ता है एलिमेंट्री सेकेंडरी तो इतने महंगे नहीं है सबसे महंगे टर्जरी है कॉलेज लेवल वाले जो खर्चे हैं भाई वो सबसे ज्यादा है देखो स्कूल की फीस दो हजार तीन हजार चार हजार पांच हजार महीना कॉलेज की फीस महंगी है यार कई लाखों में जाती है साल की फीस पता ही आपको एक एक सेमेस्टर की फीस दो दो लाख तीन तीन लाख तक भी जाती है, students, school, बेसिकली करती है तो मुझे लगता है टर्चरी एजुकेशन सबसे ज्यादा महंगा है हमारे इंडिया में ध्यान रखें चलेंगे दोस्तों प्रोसेस ऑफ एडिशन टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल को एड ऑन करना

क्वेश्चन नंबर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या रहेगा इसका सही आंसर दोस्तों कहा जाता है डिस्कवर हुआ था 1950, के अंदर आप लोग ध्यान रखिए चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ देइंगटरिस्टिक ऑफ फिजिकल कैपिटल फिजिकल कैपिटल का इनमें से कौन सा कैक्टरिस्टिक नहीं है कॉन्शियस डिसन बाई सोसाइटी एंड एंटरप्रीन्योर रिगार्डिंग स्किल एंड एक्सपर्टाइज फिजिकल कैपिटल में तो स्किल एंड एक्सपर्टाइज का कोई लेना देना ही नहीं है तो ये तो पॉइंट नहीं रह सकता सेपरेट फ्रॉम दी ऑनर फिजिकल कैपिटल को मैं ऑनर से separate कर सकता हूँ डेप्रिश टाइम के साथ हाँ टाइम के साथ घटती भी है तो यही दोस्तों हमारा फर्स्ट वाला इसका आंसर रहना चाहिए कि भाई फिजिकल कैपिटल में स्किल एंड एक्सपर्टाइज का कोई काम नहीं है स्किल एंड एक्सपर्टाइज से डीलिंग करती है आपकी ह्यूमन कैपिटल

नेक्स्ट चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी इंक्रीज बाय इनकमिंग एक्सपेंडिचर ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने के लिए किस चीज पे खर्च करना आपको क्या आपको खर्च करना है हेल्थ पे आपको टेक्नोलॉजी इंप्रूव करानी है जीडीपी बढ़ानी है यह सब कुछ करना है दोस्तों जो मेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए मुझे खर्च करना पड़ता है वो हेल्थ पे करना पड़ता है मुझे इन्फॉर्मेशन पे खर्च करना पड़ता है टेक्नोलॉजी का कोई जिक्र नहीं है कि टेक्नोलॉजी पे खर्च करो आप इंफॉर्मेशन पे खर्च करो आप हेल्थ पे खर्च करो आप एजुकेशन पे खर्च करो ये हमारे मेन सोर्सेज हैं जो ह्यूमन कैपिटल को अफेक्ट करके चलते हैं ध्यान चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ कैश भाई हेल्थ पे खर्चा जो होता है किस फॉर्म में होता है क्या वो क्यूरेटिव मेडिसिन की फॉर्म में होता है क्या वो सोशल मेडिसिन की फॉर्म में होता है क्या वो प्रिवेंटिव मेडिसिन की फॉर्म में होता है यार हेल्थ पे खर्चा तो देखो सारी मेडिसिन पे होता है आप क्योर कर लो चाहे आप सोशल रह लो आप ले लो हैं हर प्रकार इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं दवाई भी लेनी पड़ती है योगा वगैरह भी करना पड़ता है सब करना पड़ता है इसलिए सब पे खर्च होता है नेक्स्ट अ मेजर प्रॉब्लम फेस बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज डैश भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फेस करता है इंडिया में वो क्या है क्या वो पॉपुलेशन का बढ़ना है क्या वो टेक्नोलॉजी का डेवलप होना है क्या वो प्राइसिस का बढ़ना है क्या वो डिवेल्यूशन तो भाई के लिए सबसे बड़ा जो है, वो दोस्तों राइजिंग पौपुलेशन। जैसे जैसे पौपुलेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगीबिटी कम होती जाएगी और पर्सन एवेलिबिटी का कम होना है मुसीबत बढ़ जाना क्योंकि एक इंसान के हिस्से में अगर आएगा कम तो ह्यूमन कैपिटल कैसे बिल्डअप होगी देश की यार बहुत जरूरी है सबके हिस्से में अच्छे से अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच ऑर दस कोर एलिमेंट टू बिकम नॉलेज बेस इकनॉमी भाई मेन एलिमेंट क्या है अगर आपको केपीओ नॉलेज बेस इकनॉमी बनानी है अपने देश को ज्ञान का भंडार बनाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या, क्या है क्या मेडिकल फैसिलिटी है ज्ञान का भंडार बनने के लिए नहीं क्या टूरिज्म जरूरी है ज्ञान का भंडार बनने के लिए नहीं. क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यार आई तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आई सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको नॉलेज बेसिक नॉमी मनती है तो आईटी सेक्टर आपको चाहिए क्योंकि आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है आईटी सेक्टर की लोग आईटी सेक्टर को सीखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है अगर हमें नॉलेज बेसिक इकनॉमी बनना है तो हमें आईटी सेक्टर में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा आप लोग ध्यान रखे चलेंगे मेन एलिमेंट है अगर हमें नॉलेज बेसिक इकनॉमी बनना है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ह्यूमन कैपिटल इज स्टॉक ऑफ डैश बाई ह्यूमन कैपिटल किस चीज़ का स्टॉक है मशीन इक्विपमेंट का मनी का स्किल एक्सपर्टाइज का या किसी भी चीज का नहीं ये आप लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन कैपिटल

ठीक है उसके बाद सोशल मेडिसिन की बात करूँ तो सोशल मेडिसिन तो यार ये आ, हमारी वैसे भी बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस क्रिएट करना तो ये तो बिल्कुल ठीक है मुझे लगता है ये तो हमारी इसी से रिलेट ही है ठीक है ये मैं सही से मार्क कर देता हूँ ये ए है ये बी है और ये सी है दोस्तों आप लोगों के लिए ठीक है और ये आपका फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है आपका और ये आपका थर्ड पार्ट है आप ध्यान रखे चलेंगे ठीक है इसके अकॉर्डिंग मैच कर लेते हैं हम लोग किसका क्या क्या बैठता है और क्यूरेटिव मेडिसिन ऑटोमेटिकली हमारी फर्स्ट फिर आगे मुझे लगता है शायद मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस क्योर है आपकी क्योर करने का है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए का बैठता है थ्री सॉरी ए का बैठता है सेकंड ए का सेकंड ए का सेकंड ए का सेकंड मतलब या तो ये होगा या ये होगा ठीक है ये दो ऑप्शन काट देते हैं ए का सेकंड है बी का फर्स्ट बी का फर्स्ट बी का थर्ड ये तो काट देते हैं फिर इसका ये वाला हमारा आंसर सही रहेगा फर्स्ट वाला कि ए का सेकेंड है

काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने आपके साथ करे इस चैप्टर के आप लोग ध्यान रखे चलेंगे काफी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से अच्छे और अच्छे से अच्छे नॉलेज एक्वायर करिए और अभी सब्सक्राइब करिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस आपकी सेवा में हमेशा हाजिर ट्वेंटी फोर बाय सेवन दोस्तों